आप लोग शादी सीजन के बारे में सुन भी किए होंगे, एग्जाम सीजन के बारे में सुन भी किए होंगे, पर हमारे यहाँ भी बर्थडे सीजन चल रहा है। काहे कि आने वाला महीना में हमारा बहुत दोस्त लोग का बर्थडे है। वैसे हम भी बड़ी खुश थे कि हमारा बर्थडे आ रहा है, पर कुछ चुट्टा लोग के कारण ना मेरा ये खुशी खत्म हो गया। काहे कि उन लोग को पार्टी चाहिए। और एक तो बात आप लोग गौर फरमाइएगा कि जन्मदिन में जो जन्म लेता है ना, उसके अलावा सब बड़ी खुश रहता है। आजकल इन लोग का अच्छी रिवाज चला दिया कि रतिया का 12 बजे फोन करके विश करना है हैप्पी बर्थडे। नहीं, आदमी गहरा नींद में सुता है, उसको उठा के पूछते हो पार्टी कब देगा। अरे डल इधर सब खिलाइए ना देंगे, मरा काहे जा रहा है, कौन के लिए मर रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, आदमी का नींद भ्रष्ट नहीं होता था, शांति भ्रष्ट नहीं होता था। सुबह में तिलक उलक लगा के स्कूल जाते थे मस्त एकदम नया नया कपड़ा पहन के। और आजकल इन लोग ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में मारधार कर ले है पूरा, एकदम जाने ले ले है, बर्थडे बॉम्ब और बर्थडे विस्फोट कर ले है। नहीं तुम लोग मारता का है, चोट लगता होगा ना, वैसे ऊपर उछालने वाला रस्म बढ़िया है, वो किया करो। हम देखे हैं कि तुम लोग जितना का दुआ नहीं देता है, उससे ज्यादा अपना दुआ करते रहता है कि पार्टी मिल जाए, खस्सी मिल जाए, मुर्गा मिल जाए। बर्थडे में एक तो बड़ी प्रचलित गीत है, मैं मेरे यार तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली, तुम ही प्रश्न कर रहा है क्यों हो गए सारे जंगली। नहीं तुम एक्स उक्स को बुला लिया है एक साथ है, उसके बाद काहे पूछ रहा है रे काहे जंगली हो गए। और तुम लोग खुशी खुशी बर्थडे कैसे मना रहा है रे एक साथ है, फोटो भेजना कभी एक्स उक्स का सबका साथ में। और पहले कितना मस्त होता था कि सबको एकदम चॉकलेट उकलेट बांट दो स्कूल में, मामला सलट जाता था। आजकल साला 2-3 महीना पहले से पैसा जमा करना पड़ता है, काहे कि 4-5 हजार माई बाप एक के बारे में नहीं देगा। आप कागज में लिख के रख लीजिए, नहीं देने वाला है एक बार भी। और ये जायदाद के नाम पे मेरे पास खाली फोन है, तो इसको बेच के तो हम पार्टी नहीं दे सकते हैं। अच्छा हम देखे हैं कि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो उन लोग साला बिन पूछे ना उछे पानी का बोतल ला के रख देता है 20 रुपया का, इतना महंगा साला वाटर कंजर्वेशन हमको उसी टाइम याद आ जाता है। वैसे तो सबको वाटर कंजर्वेशन 7 दिन पे एक बार डगा के करवे करता है, पर उस टाइम हमको एकदम मतलब सटीक फॉलो करना ही है ये वाला चीज को। तो हम सबको बोलते हैं कि आज सबको थूक निकलेगा, आज सबको थूके निकलना है, कोई और ऑप्शन नहीं बाकी है तुम लोग के पास। उसके बाद हम देखें कि लड़का सब लड़की लोग के लिए वो लेटर्स वाला केक ले जाता है, एक ठो में एन एक ठो में आई एक ठो में के। नहीं कहाँ से आता है इतना पैसा, ट्यूशन मास्टर का तुम लोग पैसा ढाप लेता है 2-2 महीना का, नहीं तो बीच में ट्यूशन छोड़ देता है, वही पैसा जमा करके लाता है ना ये वाला केक तुम लोग। और केक जो लाता है उसको कपड़ा में घाई लगाता है, नई का नई का कपड़ा में, महंगा महंगा कपड़ा में, जिसका काम उसी को साझे, दिमाग उमाग बुद्धि उद्धि भ्रष्ट हो गया है। अब तुम लोग क्या बोलते, हिमालय फेस वॉश से कपड़ा धोने लग जाएगा रिन साबुन के जगह, मतलब कुछ किए जा रहे हो। और जब कोई गिफ्ट देता है तो तुम लोग बोलता है कि नहीं गिफ्ट का कोई जरूरत नहीं था ईयू, और वो आदमी चल जाता है तो सबसे पहले तुम लोग गिफ्ट में एकदम झपट जाता है। तो नाटक कौन चीज का करता है कि गिफ्ट नहीं चाहिए था, दिल का बात का ही नहीं बोलता असली की हाँ लाइए दीजिए। वैसे बर्थडे पार्टी ये सब तो चलिए सही है, पर हम बोलेंगे कि आप लोग लाइफ में अपना एक बर्थडे पार्टी अनाथ बच्चों के साथ मनाइए, क्योंकि जो उससे आपको जो खुशी मिलेगी और उनके चेहरे पे जब आप वो मुस्कान देखिएगा तो फिर आपको लगेगा कि आपका ये वाला बर्थडे मतलब एकदम सक्सेसफुल हो गया है। पूछता है भारत आपसे कि कौन सी का पार्टी चाहिए रे। धन्यवाद।